की याद रहे प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो राही न सही मंजिल की तरफ राही न सही मंजिल की तरफ राही की तरफ मंजिल कर दो जिस दिल में आपकी याद रहे देखिए इसी को बोलते हैं संस्कार और एकदम रिदम के साथ इसको पता नहीं कि मैं इसके बारे में बोल रहा हूं इसलिए बालक भगवान का रूप होता है तो ये देख करके सीखते हैं इसके लिए बच्चों के सामने कोई ऐसा ऐसे ही कार्य करे जिससे वो सीख करके एक संस्कार बने अब हो सकता है खंजरी भी ताल में बजाए जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो राही न सही मंजिल की तरफ राही की तरफ मंजिल कर दो जिस दिल में आपकी याद रहे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की पाकर के भक्ति प्रभो रहते जो झूमते मस्ती में पाकर के आपकी भक्ति प्रभो रहते जो झूमते मस्ती में करुणा करके पीयूष को भी करुणा करके राजेश को भी उन मस्तों में शामिल कर दो जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो राही न सही मंजिल की तरफ राही न सही मंजिल की तरफ राही की तरफ मंजिल कर ये बहुत गहरी बात है कि राही न सही मंजिल की तरफ राही की तरफ मंजिल के प्रभु यदि राही मंजिल की तरफ सही डायरेक्शन में नहीं चल रहा है तो आप मंजिल को उसी की तरफ मोड़ दो एक अंधा भक्त था भगवान का सत्य घटना बता रहे हैं वो मंदिर में रोज जाता था बांके बिहारी के दर्शन करता था तो लोगों ने कहा कि भाई तेरे को दिखाई नहीं देता तू मंदिर में रोज क्यों आता है कि मुझे दिखाई नहीं देता लेकिन उसको तो दिखाई देता है ये भावना होनी चाहिए भाई मैं नहीं देख सकता लेकिन वो तो मुझे देख सकता है उसको तो ये रहेगा नहीं कि इसने रोज मेरे अटेंडेंस जिस दिल में आपकी
भगवान के लिए पागल होते हैं ना, पागल का उल्टा क्या होता है? लग पा। यदि प्रभु के चरणों में तू लग पा, ये उसका डेफिनेशन है। यदि आप प्रभु के चरणों में लग पाते हो तो भगवान आपको अपनी भक्ति का पागलपन दे देगा। और ये परिभाषा रसिका पागल बाबा करते थे, जिनका अभी दो दिन पहले ब्रिज के बहुत बड़े संत हुए, जिनका नाम था रसिका पागल। वो पहले ऑटो चलाते थे और उनका एक काम था रोज जाकर के बांके बिहारी जी को सुनाना, और वो सुनाना जो खुद ने लिखा है। अपने पदों की रचना सुनाते थे, किसी से झिझकते नहीं थे। लाज शर्म नहीं होती भक्ति में। कहते हैं ना, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हससि क्वचित्त विलज्ज उद्गा यति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो न भुवनम पुनाति। भगवान कहते हैं कि जो मेरा परम भक्त होता है, कब हुक हसी उठी नृत्य करे, वो कब नृत्य करने लग जाए उसको खुद को भी पता नहीं रहता। रोवन फिर लागे, कभी वो रोने भी लगता है। ये बात भी आपको बताते चले, जो प्रेम के आंसू होते हैं ना, वो सीधे गिरते हैं। कभी भी देख लेना जिंदगी में, किसी भी कोने में दुनिया के, जो प्रेमाश्रु होते हैं ना, वो टोंटी की तरह सीधे सीधे छलकते हैं एकदम। आप नहीं चाहोगे तब भी रोना आएगा। और जो दुख के आंसू होते हैं वो यहां से आते हैं, नैनों के अंतर भाग से, यहां से। और जो खुशी के आंसू होते हैं ना, वो यहां से आते हैं। आप बहुत ज्यादा हंस दोगे ना तो देखना आपके आंसू यहां से आएंगे। यहां से नहीं आएंगे, आंसुओं के भी स्थान है, आंसुओं का भी विज्ञान है। और जो प्रेमाश्रु होते हैं उनके जैसा ठंडा पानी फ्रिज का भी नहीं होता, एकदम ठंडा। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतने ठंडे आंसू मेरे हो सकते हैं क्या। कबहुक हसी उठी नृत्य करे रो वन फिर लागे, कबहुक गद गद कंठ शब्द निकसे नहीं आगे, कबहुक हृदय उमंग बहुत ऊंचे स्वर गावे, कबहुक है मुख मौन गगन ऐसे रही जावे। वो कभी आकाश की तरफ देखता है, कभी नाचने लगता है, कभी बोलने लगता है, कभी झूमने लगता है, मानो पागलों की सी हरकत करने लगता है। लेकिन वो पागल होता दुनिया की नजरों में है, होता नहीं। दुनिया किसी को क्या समझे, दुनिया के भरोसे चलोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। भगवान की डायरी में हम पास होने चाहिए, वहां पे ओके होना चाहिए, ऑब्जेक्शन किल्ड होना चाहिए। रंग में रंग दो अपने मोहन, जिससे न कुसंग का रंग चढ़े। रंग में कुसंग का रंग चढ़े, दुनिया के प्रेम में पागल हूँ, दुनिया के प्रेम में पागल हूँ, अपना करके पागल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु, दिल मेरा वह दिल कर दो। हमने दुनिया को बहुत तरह से अलग अलग, मतलब जो क्या कहते हैं, परीक्षण करके देखे। हम तो अपने उम्र का ही अपना ही अनुभव बताएंगे। लगभग 3000 के आसपास हमारे व्हाट्सएप कांटेक्ट में हैं लोग, तो हमने सोचा कि भाई यदि एक बार हम जय श्री कृष्ण लिख देंगे तो 3000 लोगों को पढ़ने मिलेगा।
लेकिन उसमें से समझ लीजिए हजार लोगों ने रिप्लाई दिया, तो उन हजार लोगों की रिप्लाई से हुआ ये कि दुनिया की मानसिकता मेरे सामने एकदम हाथ में आंवला रखा हुआ नहीं होता है, वैसे सामने आ गई। कोई जय श्री कृष्ण का अच्छे से जवाब देता है, कोई देता ही नहीं। कोई जय श्री कृष्ण का वसुदेव सुतम देवम पूरा श्लोक लिख करके देता है, कोई जय श्री कृष्ण को पांच दिन बाद में पढ़ता है। तो मतलब किसी व्यक्ति पे आक्षेप नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं व्यक्ति विशेष पे नहीं कह रहा हूं मैं, ये आम बात कह रहा हूं मैं, मतलब सर्वकालिक सबके सबका मैंने टोटल एनालिसिस किया। ऐसा नहीं कि हमारे पास ये फ्री टाइम रहता है कि हम सबको जय श्री कृष्ण करें और सबका रिप्लाई देखते रहे। हमारा केवल एकमात्र उद्देश्य यही है, परमात्मा इसका साक्षी है कि हम जय श्री कृष्ण लिखे तो हमने लिखा तो 3000 लोगों ने पढ़ा, और पढ़ा तो उन्होंने और किसी माध्यम से हाय बाय पढ़ा होगा, लेकिन इसके माध्यम से तो भगवान का ही नाम लिया। मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिसने लाल रंग का चश्मा लगा दिया हो ना तो दुनिया उनको लाल ही नजर आती है। कांच में मुंह दिखे अपना उसके लिए तीन शर्तें हैं। कांच भी साफ सुथरा होना चाहिए पहली शर्त, कांच टूटा हुआ भी नहीं होना चाहिए दूसरी शर्त, और कांच स्थिर भी होना चाहिए तीसरी शर्त। ये तीन चीजें होती है जब कांच में मुंह, भाई कांच स्थिर भी हो, धूल भी नहीं लगी हुई हो और टूटा हुआ भी नहीं हो, तब जाकर के उसमें मुंह दिखाई। ये मेरी बात नहीं है, शास्त्र कह रहा है मुकुर मलिन अरु नयन विहीना। और चौथी बात और, अपनी आंखें भी ठीक होनी चाहिए। कांच के ठीक होने से काम नहीं चलेगा, कांच में अपना मुंह देखे उसके लिए भी चार शर्तें हैं। कांच का ठीक होना, अपनी आंखों का ठीक होना, कांच पे धूल नहीं लगी हुई होना और कांच का स्थिर होना। ये चार चीजें होने पर हमें कांच में मुंह दिखाई देता है। स्कूल में फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक पास करने के लिए दुनिया भर के स्कूल के जो है नियम कानून मानने पड़ते हैं। लंच बॉक्स ऐसे दो, ड्रेस ऐसी होनी चाहिए, बच्चा ऐसे आना चाहिए, मंगलवार को ये ड्रेस, गुरुवार को ऐसे ड्रेस। माता पिता सब जो है प्रपंच करते हैं, बच्चे को हर ड्रेस में भेजते हैं जैसे कैसे ये पढ़ ले। तो पढ़ने के लिए इतनी शर्तें हैं, कांच देखने के लिए इतनी शर्तें हैं, तो क्या भगवान को पाने के लिए कोई शर्त नहीं? हम क्या करते हैं कि हम भगवान को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। भगवान कहते हैं कि तू मुझे भी रिश्वत दे रहा है, मेरा बेटा 10वीं पास करेगा तो 1 किलो गुलाब जामुन चढ़ाऊंगा। गलत बात है, भगवान को किसी भी गुलाब जामुन की या पेड़ों की भूख नहीं है। भावेशु विद्यते देवो, भाव भगत की राबड़ी मीठी लागे वीर, बिना भाव कालू कहे कड़वी लागे खीर। दुर्योधन के पास भी बहुत था, लेकिन दुर्योधन घर मेवा त्यागियो, साग विदुर घर खायो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वश में होते आए भगवान भगत के वश में। ये जो कैलेंडर में बातें लिखी होती है ना, तू मेरे लिए 2 कदम बढ़ा, मेरे तेरे लिए 60 कदम नहीं आऊं तो कहना, तू मेरे लिए 10 रुपए खर्च कर, मैं तेरे लिए कुबेर के भंडार नहीं खोल दूं तो कहना, ये सब बातें मनगढ़ंत नहीं है, ये बातें झूठी नहीं है। उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके, उसके ऊपर अंगीकार करके, उसके ऊपर अपना जीवन बिताने की आवश्यकता है, और ऐसा कोई बिरला ही कर पाता है। दुनिया के प्रेम में पागल हूं अपना करके, पागल कर दो जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु
वत्सल भगवान की, दीन बंधु करतार की। मन में रोग।